जब भगवान की कृपा होनी होती है तो पशु योनि में भी भगवान को पाया जा सकता है। भगवत प्राप्ति इतनी सरल है कि कोई पशु योनि में भी भगवान को पा सकता है, और वहाँ भी बस एक ही भाव, समर्पण, जो गजेंद्र ने किया। एक हाथी था, परिवार के साथ त्रिकूट पर्वत पर रहता था, स्नान के लिए सरोवर में आया, बड़ा मौज मस्ती कर रहा है पूरे परिवार के साथ, खूब डुबकियाँ लगा लगा के स्नान कर रहा है, मस्ती मौज चल रही है कि तभी ग्राह मगर आकर के गजेंद्र का पांव पकड़ लेता है। यही हमारे जीवन में चलता है, गजेंद्र माने हम ही हैं। मौज मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लगता है यही जीवन की सच्चाई है, इसी में जीवन निकल जाएगा, लेकिन तभी ग्राह मतलब काल आता है, और काल आकर के हमारे पैर को यानी हमें पकड़ करके अपनी ओर खींचने लगता है, और जब मृत्यु सामने आती है तब जीव घबराता है, तब उसे लगता अब क्या होगा। मृत्यु से घबरा रहा, क्यों घबरा रहा है? देखो उदाहरण से समझाते हैं महापुरुष की, मान लीजिए आप सब स्कूल में पढ़े हैं, तो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होती है, तो गर्मियों की छुट्टी जब होती है महीने भर की, तो टीचर्स को पता होता है कि अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो पूरा महीना बस मौज मस्ती करेंगे, इसलिए थोड़ा एक महीने का घर का काम दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, एक महीने में ये काम करके लाना। तो अब दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चा वो होता है जो जिसको पता है कि अब मास्टर जी ने काम दिया है, तो वो जैसे छुट्टी शुरू हुई घर आएगा, महीने भर की छुट्टी है तो शुरू के 10 से 15 दिन में अपना काम निपटा लेगा, बाकी के जो 15 दिन बचेंगे उसमें खेलेगा कूदेगा। पहले के ज़माने में तो मामा के जाते थे, नानी के जाते थे बच्चे, वहाँ खेल कूद होता था, सो बाकी के 15 दिन मौज मस्ती करेगा। ये होते समझदार बालक, और एक होते दूसरे प्रकार के बालक। ये क्या करते हैं, ये अगर महीना भर की छुट्टी है तो 29 दिन तो मौज मारेंगे, मामी के, नाना के, नानी के, मौसी के, चाची के, सबके घुमाएंगे, मौज मस्ती में खेल कूद में इनके सारी छुट्टी जो है निकल जाएगी। और जब एक दिन बचेगा, जब एकदम जान एकदम अब तो भैया आर या पार की लड़ाई, आज अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मास्टर जी के डंडे पड़ेंगे, तब लगते हैं ये काम पूरा करने में, पर एक दिन में काम पूरा होता नहीं। अब पूरा होता नहीं तो फिर वो स्कूल चले तो जाते हैं अगले दिन, पर उनको पता जाते ही मास्टर जी पूछेंगे, टीचर्स पूछेंगे होमवर्क के बारे में, तो इसलिए वो जानबूझ करके क्लास में कौन सी वाली बेंच पे बैठते हैं, अनुभव से बोल रहे हो, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब काम पूरा नहीं हुआ तो सबसे पिछली वाली बेंच पे जा करके बैठेगा। समझदार होता ना, वो समझता है कि पहले से चालू करेंगे मास्टर जी, और जब तक हम तक पहुंचेंगे तब तक घंटी बज जाएगी, हम बच जाएंगे। और जिसका काम पूरा होता वो कहाँ बैठेगा, सबसे फर्स्ट बेंच पर, कॉपी एकदम वेल मेंटेन, पूरा एकदम खोल के तैयार बैठा रहेगा, देखता रहेगा कब मास्टर जी। और मास्टर जी अगर भूल भी जाते ना कोई काम दिया था तो कहेगा मास्टर जी काम नहीं चेक करोगे, पीछा वाला गाली देता रहता है कि चुप बैठ जा, अच्छा भला भूल गए मास्टर जी, तू उनको याद दिला रहा है, और उसका काम पूरा है ना इसलिए हक से कहता है, मुँह छुपाना नहीं पड़ता उसको क्योंकि उसका होमवर्क पूरा। ठीक वैसे ही भगवान ने हम सबको इस दुनिया में, इस जगत में छुट्टियों पे भेजा। किसी को 20 साल की छुट्टी मिली है, 20 साल का जीवन है, किसी को 80 साल का, किसी को 100 साल का, पर ये छुट्टी केवल मौज मारने नहीं, होमवर्क भी मिला है, भक्ति भजन करो, सेवा करो। लेकिन जैसे वो बच्चा बैक बेंचर्स जो होते हैं पूरा महीना मौज मारते हैं, अंत में उनको याद आता है, वैसे ही हम करते सारा जीवन, बचपन खेल में, जवानी कमाई में, और उससे बड़े बाल बच्चों के पालन पोषण में, और जब आता बुढ़ापा, जब एकदम अब तो
तो पता है कि अब तो टिकट कटने वाली है, तब उनको याद आता है भजन भी करना चाहिए, तब लेके माला घुमाएंगे, करो करो करो, पर इतने में क्या पालोगे, कितना पालोगे। अब जिसका होमवर्क पूरा नहीं वो छुपेगा, यानी जिसके जीवन में आने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ वो मृत्यु से हमेशा डरता घूमेगा, क्योंकि उसे पता है अगर मृत्यु आ गई, भगवान ने पूछा काम किया, क्या जवाब देगा, खाली हाथ कैसे पहुंचे वहां। लेकिन जिसका पूरा है, जिसका जिसको पता है कि जो भगवान ने देके भेजा था हमने पूरा कर दिया, वो हक से कहेगा, जब भगवान बुलावा भेज दे तभी तैयार। आज ये महात्मा जी की, ब्रज के बड़े प्रसिद्ध महात्मा, उनका मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें बड़े दहाड़ के बोल रहे थे, मौत आए तो आ जाए, हम तैयार हैं, कोई डर नहीं, मृत्यु आएगी तो खुशी हंसी हंसी खुश हो जाएंगे कि राधा रानी ने हमको बुला लिया, श्री जी ने हमें अपने पास बुला रही हैं इसलिए मृत्यु आएगी। तो ये कौन कह सकता, हम जैसे लोग नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा काम ही पूरा नहीं, डरते फिरेंगे, मृत्यु से बचने के लाख कोशिश करेंगे, बाल सफ़ेद तो काले करा लिए, दांत गिर गए नहीं लगवा लिए, आँख से नहीं दिख रहा तो चश्मा लगवा लिए, ये सब मृत्यु से बचने के तरीके हमें लगता है इसे बच जाएंगे, पर नहीं बचने वाले। इसलिए भगवान ने जो दे के भेजा है उसको याद रखो, और भगवान ने बस यही होमवर्क दे के भेजा है, हरि भजन करो। अरे जिसने जीवन दिया, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। बस ये ध्यान रखो कि अगर उसने दुनिया में भेजा है तो उसका भजन करना भी जरूरी है। मौज मस्ती में जब सारा जीवन निकल जाएगा तब याद आएगा, अरे पर फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। गजेंद्र ने वही किया, सारा जीवन परिवार के साथ मौज मस्ती, और जब अंत में काल ने पकड़ा तब घबराया, अब कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे मदद मांगूँ, मांगता मांगता घूमा, कोई नहीं आया, कोई आगे नहीं आया, सुख के सब साथी दुख को ना कोई, कष्ट आते ही सब 9, 2, 11 हो जाते। किसी बच्चे से मास्टर ने पूछा, ये आर्यभट्ट ने जो जीरो का इन्वेंशन किया वो कैसे किया, बोले आर्यभट्ट को जब अपने कोई दुख की घड़ी में रिश्तेदारों की जरूरत पड़ी तो उसने रिश्तेदारों को बुलाया, और जब कोई रिश्तेदार नहीं आया तब जीरो का इन्वेंशन हुआ, कि जरूरत में कोई, जब जितने अपने हैं ना सब खत्म हो जाते हैं, कोई काम नहीं आया। और दुनिया की जो सच्चाई है बस उसी को जानने के लिए किसी सत्संग की जरूरत नहीं। यहाँ बैठा हर आदमी अनुभवी होगा, कब कहाँ किसने साथ छोड़ा, कब कहाँ तुम गए उससे मदद मांगने और उसने हाथ खड़े कर दिए। इस संसार का स्वार्थ, और इसमें कुछ गलत भी नहीं, संसार चली स्वार्थ की वजह से रहा है, स्वार्थ ना होता तो ये दुनिया नहीं चलती, ये दुनिया चली इसलिए रही है क्योंकि सबको एक दूसरे से कोई ना कोई स्वार्थ है। सुर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहिं सब प्रीति। गजेंद्र ने बहुत पुकारा लेकिन अंत में हताश हो गया, निराश हो गया, थक गया, कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, तब अंत में जा कर के इस गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, समझ गया कि अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, भगवान को बचने का एक ही रास्ता है, भगवत प्राप्ति। भगवान को पुकारा है गजेंद्र ने, और भक्त वत्सल भगवान गरुड़ परारूढ़ होकर के आते हैं, अपने भक्त से मिलने के लिए इतने उतावले होते हैं कि उनको गरुड़ की गति धीमी लगने लगती है, इसलिए नंगे पांव दौड़े दौड़े आते हैं। गजग्राह दोनों को बाहर निकाला और सुदर्शन चक्र से ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र पर कृपा की, ग्राह का उद्धार किया। इसके उपरांत समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में अनेकों रत्न निकले, इसी मंथन में गौ माता भी प्रकट हुई हैं, समुद्र की पुत्री हैं गौ माता, लक्ष्मी जी की बहन है गौ माता, और ऐसी सर्वदेवमयी है गौ माता कि जब लक्ष्मी जी को कहीं, सब देवी देवता गौ माता के अंगों में वास करते हैं, अंत में लक्ष्मी जी आई गौ माता से कहा कि हमको भी वास दे दो अपने अंग में, अपने शरीर में,
तो माता ने कहा ऑलरेडी सब सीट जो है वो रिजर्व्ड हो चुकी है, कोई बचा नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो आपके ऐसा हो ही नहीं सकता, सब देवी देवता मैं ना हूँ, एक ही स्थान बचा है क्या, गाय का गोबर। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक, मैं उसी में वास करूँगी। दुनिया का कोई ऐसा जीव दुनिया में आपने नहीं देखा होगा, हर जीव का मल मूत्र बड़ा घृणित होता है, लेकिन केवल दुनिया में एक गौ माता ऐसी है जिनका गोबर भी पूज्य है, जिनका गौमूत्र भी पूज्य है, जिनका दूध भी पूज्य, हर वस्तु पूज्य, चाहे वो पहले घर की सुंदरता दिखाने के लिए गाय के गोबर का लेप किया जाता हो, या आजकल बड़े बड़े जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं ना, वो भी अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं कि डेली आप गौअर्क पान करें, गौअर्क पीने से आपके शरीर का जो ब्लड का जो रोग है या कोई भी पेट का रोग है वो सब ठीक हो सकता है। एलोपैथी डॉक्टर इस बात को मानने लगे हैं, विज्ञान मानने लगी है, साइंस मानने लगी है।